हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आज ये कढ़ाई चिकन, जो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, उसमें मैं ऐड करी 1 tablespoon जिंजर और गार्लिक क्रश किया हुआ, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है कलर के लिए, 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी, 1/2 tablespoon ऐड करी हूँ टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर यूज़ करा है। अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर देंगे, 1/2 teaspoon क्यूमिन पाउडर भी है, अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे 1 hour के लिए, और अगर कम समय है तो 1/2 hour के लिए भी ऐड रख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 मैंने ये कश्मीरी रेड चिली होल वाली दी हैं, 1 चम्मच मैंने क्यूमिन सीड्स का लिया है, 2 बड़े चम्मच मैं यूज़ करूँगी धनिया के, और 1 चम्मच मैंने यूज़ करा है फेनल सीड, 8 से 10 ब्लैक पेपर सीड्स ऐड करे हैं। इनको हमने अच्छे से रोस्ट कर देना है लो फ्लेम पे, अच्छे से एक खुशबू आने तक और हल्का कलर चेंज होने तक इस तरीके से चलाते हुए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 green cardamom भी, इनको भी मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हो चुका है। तो अब हम इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, या फिर दरदरा भी कूट सकते हैं आप। सेम कढ़ाई मैंने ले लिया, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच घी का ऐड करूंगी, और उसे में मैं ऑयल करूंगी 3 से 4 tablespoon, इसको गर्म होने देंगे। इसमें 3 chopped किए हुए मैंने ऑनियन डाल दिए हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने पका लेना है लो फ्लेम पे जब तक इसमें से, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमने इसको पका लेना है। ये देखिए आज हम इसको चॉप मसाले से ही इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जो हमने मैरिनेटेड चिकन रखा था, उसको हम ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। इसलिए मैंने ऑनियन ज़्यादा नहीं पकाए हैं क्योंकि हमने चिकन के साथ भी इसको पकाना है। अब 5 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को, ये देखिए। और अब जो है फ्लेम को लो करके, लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा चिकन, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच जो हमने कढ़ाई मसाला बनाए थे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने पहले भी मिलाया था। यहाँ पे मैं 2 chopped किए हुए टमाटोज ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने चॉप और पेस्ट लिया है 3 टमाटोज का और 7 से 8 green chilies का पेस्ट भी बनाया है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर दिए हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को मैं अभी हाई ही रखूँगी, अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए। और अब हमने इसको लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक हमारे सारे मसाले जो अच्छे से गल नहीं जाते हैं और चिकन अच्छे से जो है कुक नहीं हो जाते हैं। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसको हमने कवर कर देना है, कवर करके कुक करना है, और बीच बीच में हमने इसको चेक भी करना है। तो 25 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, तब तक चिकन पक जाएगा। तो ये देखिए बीच में एक बार मैं चेक कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, लेकिन ये अपना ही चिकन का पानी रिलीज हुआ है और मसाले भी ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी गल चुके हैं। तो दोबारा से इसको कवर करके कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमने डाइस किए हुए कैप्सिकम एंड ऑनियन लिए थे, इसमें मैंने 1 medium size का कैप्सिकम और 1 onion लिया है जिसको इस तरीके से चॉप कर दिया है, जिसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक, या थोड़ा और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रंच चाहिए हो तो थोड़ा कम टाइम तक इसको मिक्स करके पका लेंगे। ये देखिए हो चुका है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं आप चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जूलियन जिंजर, थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा टेस्टी और यम्मी कढ़ाई चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी नान फुलके जिसके साथ भी आप इंजॉय करना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।